तो दोस्तों आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टी शर्ट हो या शॉर्ट पे लड़की वाले वीडियो आप कैसे बना सकते हैं जो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको मैं सेटअप बाय सेटअप बताने वाला हूँ इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी वीडियो शूट करेंगे तो आपको टी शर्ट हो या शर्ट हो आपको एक कलर का होना चाहिए, जो कलर का आपका टी शर्ट हो या शर्ट हो वही कलर आपको बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ इस टाइप के वीडियो एक शूट कर लेना है। शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर एप्लीकेशन प्लस गर्ल वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। क्या है वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को 10 से 15 सेकेंड के आसपास कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, आपने जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस बॉक्स पे सेलेक्ट करना है, फिर से हमें इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो आपका फुल साइज में आ जाएगा। वीडियो का लास्ट पॉइंट पे आना है, बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, क्रोमा की क्लिक करना है और क्रोमा की को आपको इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और आपको यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ से सही तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है और वीडियो को आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर लेना है। तो वीडियो देख सकते हैं लगभग मैंने सही से एडजस्ट कर लिया हूँ। यहाँ से आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग सही से एडजस्ट कर दिया हूँ। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, कैचिंग निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। आपको वीडियो 10 से 12 सेकेंड के आसपास शूट करना है। तो आप वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल जाता है। तो ऑपेसिटी कुछ ज़्यादा लग रहा है, सिंपल से इसे हम कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे सही से एडजस्ट हो गया है। इसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।